Hello everyone. Hi, what's up, ladies and gentlemen? My name is Saurav Singh. I'm your host, your friend, your confidant. So this is something which I always love to start. This is the way I start. Ladies and gentlemen, it's been 2 weeks. I'm not uploading the video because meri life mein kuch problems hain. Aur ye problem aisi hai ki logon ko hoti hai ye problem. और इस वजह से आई वॉज़ नॉट रिकॉर्डिंग द वीडियो. इस वजह से मैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहा था. कैसे बताऊँ यार, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी. ये वीडियो आई थिंक एंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं है. ये वीडियो है बस जस्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड टू टेल यू दैट अब चैनल पे बातें होंगी तो सच्ची बातें होंगी, ऑनेस्ट बातें होंगी जो कि इंडिपेंडेंट होंगी कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो आई वांट टेल यू दैट यार, आई हैव ओसीडी. आई विल नॉट से विक्टिम, बट आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन टू हैव अ ओसीडी. जिसको है ओसीडी उसे पता है ओसीडी क्या होता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट इज़ ओसीडी. जिसे नहीं है मैं उसे बता देता हूँ. ओसीडी इज़ समथिंग लाइक इट्स अ मेंटल अनस्टेबिलिटी विच इज़ आपके अंदर थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बीच में ये लड़ाई जद्दोजहद होती है, लड़ाई होती है. यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स, यू कांट कंट्रोल योर फीलिंग्स. आई वुड से दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ फाइट बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. और उसमें आपकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी आप मेहनत नहीं कर पाते हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो, आपकी बॉडी, आपका फेस, आपकी हेल्थ सब डिटोरिएट होती है, सब ख़राब हो जाती है. एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दैट इज़ द ओनली रीज़न आई कॉन्ट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो. आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो बिकॉज ऑफ माई ओसीडी विच इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. I really wanted you to all share with me your OCD story, because hai duniya mein log aise bahut sare log hain, India mein aise bahut sare log hain jinko ye problem hai. Aur ye koi problem, koi chronic problem, yeah of course it's a chronic problem, but ye problem koi aisa nahi hai ki bahut hi zyada major problem hai. Ye sabko hoti hai, most probably किसी को इस लेवल पे होती है, किसी को इस पे होती है, किसी को इस पे होती है, एंड किसी को उस पे होती है, मतलब बहुत ज़्यादा. और जिसको बहुत ज़्यादा हो जाए उसके लिए ज़िंदगी जीना बर्बाद है, उसके लिए ज़िंदगी वो नहीं जी पाता सही से. ये मैं आप लोगों से कहूँगा. बाय द गॉड ग्रेस आई एम ऑल फाइन. आई विल नॉट से ऑल फाइन, बट now I'm recording my video. I'm running my life and I am happy, as you can see. So yes, I have stabilized myself. I have maintained myself I have controlled myself. I have controlled my thoughts. I have controlled this OCD, which is a bully which hits your subconscious mind. So I am able to control my OCD. I am able to control my thoughts. और ये हुआ कैसे, यही बताने के लिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, दैट हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स, हाउ टू लीड अ हैप्पी लाइफ, हाउ टू लीड अ स्टेबल एंड फुलफिलिंग जोवियल लाइफ, हाउ टू लिव दैट. I'm going to tell you some few points, a practical point which I have already applied in my life, and if you will apply, trust me ladies and gentlemen, you will end up feeling good. See, OCD में आप खुश नहीं रह पाते हो, आप नहीं खुश रह पाते हो, आप चाहते हो कि मैं खुश रहूँ, आप फोकस करना चाहते हो काम में, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि आपका जो थॉट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आप चाह रहे हो कि भाई ये थॉट ना है मुझे, लेकिन ये थॉट आपको आता है. आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपके कॉन्शियस माइंड को दबा देता है. आई थिंक ये होता है सबकॉन्शियस माइंड और ये होता है कॉन्शियस माइंड वाला, बिकॉज स्ट्रेस में जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मेरा ये काफ़ी गर्म हो जाता है, ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा. अभी तो ठंडा हुआ पड़ा है. 4 पॉइंट्स बताऊँगा मैं आपको. I don't know 4 या 5. सो पहला पॉइंट जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, दैट
ये जो पॉइंट है ना यार, ये पॉइंट ऐसी लग हुआ यार कि मेरे बैटरी तो खर्च नहीं हो रही है, मतलब है ना, मतलब बैटरी कहीं जा रही हो। ये जो पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पॉइंट इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ द ओनली पॉइंट आई वांट टू टेल यू, नॉट द ओनली पॉइंट, सॉरी, इस पॉइंट ने बहुत हेल्प करी है मेरी। मैं आई वॉज वॉचिंग वन यूट्यूब वीडियो एंड उस लड़के ने कहा उस वीडियो में कि यार थॉट्स आपके अंदर आते हैं, आई रिपीट, थॉट्स आपके अंदर आते हैं, आप थॉट्स में नहीं आते हो। सो जो आपके अंदर थॉट आ रहा है ना, उसको बिलीव करना छोड़ दो, उससे लड़ना छोड़ दो, उससे फाइट करना छोड़ दो, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग है, आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग है, इट्स अ मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन दिस प्लैनेट, किसी बिल्डिंग से, किसी एरोप्लेन से, किसी सबसे ताकतवर है वो माइंड है। सो डोंट फाइट विद योर सबकॉन्शियस माइंड, डोंट फाइट विद योर थॉट्स, जस्ट डाइग्रेस इट, जस्ट इग्नोर इट, they say that ignorance is bliss, just ignore it, and when I'm saying just ignore it, those people who are watching and having OCD, they must be kicking my ass, they want to kick my ass, because they must be feeling like, Saurav, tumhe kya pata ki just ignore it, matlab kya itna aasan hota hai kya, trust me, bahut mushkil hota hai, main jhel chuka hu, bahut mushkil hota hai, I understand, but yaar chara kya hai bhai, आपको अगर खुश रहना है, आपको ज़िंदगी जीनी है अच्छे से, तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा ना ब्रो, यस यस, आपको इग्नोर करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट, राइट, सो जस्ट इग्नोर इट, एंड दिस इज़ द, इफ़ यू विल फाइट, इट विल कम मोर, जितना आप उसे, अगर मैं अपना दिमाग को समझाने की कोशिश करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, ठीक है, अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिर 2 मिनट बाद फिर आएगा वही थॉट, फिर 4 मिनट बाद फिर आएगा वही थॉट, अब क्या क्या करोगे आप, इसीलिए इग्नोर करना सीखो, थॉट आपके अंदर आते हैं, आप थॉट्स में नहीं आते, तो यू हैव द पावर टू कंट्रोल इट। एक और चीज़, एक लाइन है कि दुनिया की हर मुसीबत से, दुनिया के हर 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 टफनेस से, दुनिया की हर हर परेशानी से आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप ज़्यादा हार्ड हो, आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप लड़ सकते हो, आप लड़ो इसको फाइट करके नहीं, आप लड़ो इग्नोर करके, आप लड़ो उसे महत्व ना देके, इम्पोर्टेंस ना देके लड़ो आप, समझ आ गया ना। दूसरा पॉइंट जो है खुश रहने का जो तरीका जो मैंने सीखा है OCD में, OCD से निकलने के लिए बाहर, इज जिंदगी में एक चीज़ जान लो यार, अगर खुश रहना है तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, कुछ आपके साथ हो गया भूल जाओ, फॉरगेट, किसी ने आपके साथ बुरा किया फॉरगिव, माफ़ कर दो उसे, नॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, आपने उसे माफ़ कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर बेवकूफ़ी करोगे उस पर ट्रस्ट करके, आपने उसे माफ़ कर दिया बिकॉज यू लव योर लाइफ टू मच, बिकॉज यू लव योर कामनेस, यू लव योर स्टेबल लाइफ, दैट्स वाई, बिकॉज आपने एक बार माफ़ कर दिया आपके दिल में शांति है, राइट, सो forget and forgive is these something which start doing it in your life. Pehla kya tha? Ignore karo. Dusra forget karo. Matlab wahi forget and forgive. Theek hai. Aur teesra jo point hai yaar, start living in the present. Ye bahut hi mainstream hai, sab kehte hain, but lekin ye sach baat hai. Start believing in the present moment. It's very mainstream hai, jaise maine kaha, but yahi hai. जो पास्ट में हो गया यार, आप उसमें क्या कर सकते हो, पास्ट में हो गई वो चीज़, अब नाउ यू कांट डू एनीथिंग, जो फ्यूचर है आपने देखा नहीं है, हो सकता है आप मर जाओ कल, तो क्या फोकस करना, अरे इस पर फोकस करो, जो प्रेजेंट, ये जो अभी 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 जो निकला, अब जो टाइम निकला वो, उस पर फोकस करो। एंड जो चौथी चीज़ है, दैट इज़ द फोर्थ थिंग, इज जस्ट whenever you feel stress in a daily life, on a daily basis, just try to breathe in, deep breathing करो, करो मेरे साथ करो, let's just do together 1, 2, 3 hold on, करा, और
और एक और चीज़, अंदर लो, इनहेल करो और ट्राई टू एक्सहेल फ्रॉम योर नोज एंड फील द कामनेस हियर दिमाग में. गाइस, ये जो आपकी बॉडी है ना यार, ये बस एक ढांचा है. भगवान ने बस ये दिया हुआ है जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पीपल फ्रॉम इन. लेकिन जो आपका विद इन सेल्फ है, जो अंदर है, वही आपकी दुनिया है, वही असली में आप हो. सौरव शक्ल से सौरव नहीं, अंदर से जो है वो है सौरव. Getting my point what I'm trying to say here. बाहर से तो बस जो भी है, बस this is a skin, this is a clay, whatever. अंदर से जो हूँ मैं, मेरे manners, मेरा character, मेरे बोलने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका, मेरे अंदर जो मैं काम करता हूँ, जो मैं respect करता हूँ, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, उसको define करता है सौरव सिंह. So अपने अंदर की दुनिया पहले संभालो, सुधारो, rather than cleaning your face or rather than looking good or maybe scrolling Instagram and watching, oh my god, Kartik Aaryan is looking so good. It's good and I love him and I don't have any problem. I am just saying that looking someone's picture and feeling that, oh my god, I'm not looking so good is a bad thing. Okay? तो आपको समझ आया क्या करना है? Be in the present. डीप ब्रीदिंग करो. अंदर योर वर्ल्ड इज इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड यू. दिस फेस इज जस्ट अ वे टू आइडेंटिफाई पीपल. रियल में इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू फील द ब्लिस एंड द प्लेजर इनसाइड योर माइंड. गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ एक और चीज़ मैं आपको, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँगा यहाँ पे. अगर आपने ये सीख ली तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी. मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान में बिलीव करो, मैं ये नहीं कहता कि आप ना करो, आपकी मर्जी है. लेकिन जो मैंने किया वो मैं आपसे बताना चाहूँगा. यार, प्रेयर ने मेरी ज़िंदगी बदली है, मतलब बदल रही है. अभी क्या बदली है? अभी भी स्ट्रेस होता है मुझे, अभी भी OCD है, वो ज़िंदगी भर रहेगा. इट जस्ट दैट वो I am learning how to manage it. I am learning how to control it, and that's life. So, prayer ने ज़िंदगी बदली है. मैं परम भक्त हूँ कृष्ण भगवान का. पहले नहीं था. I was always felt connected with him. I played the role of Krishna as a kid when I was very small, when I was like a fourth, fifth standard. So I felt that connection. I don't know why. Maybe because उनकी लीलाएँ करते थे वो, and he used to talk with people and talk with, I don't know, whatever, but. I just felt connection between Krishna Bhagwan and me. So मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनकी लर्निंग्स को, भगवद गीता को पढ़ता हूँ. So आप अपनी प्रॉब्लम को भक्ति से जोड़ दो. ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ. आप अपनी प्रॉब्लम को भक्ति से जोड़ दो. अपनी 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 मुसीबतों को, अपने OCD को, अपने स्ट्रेस को आप भगवान पे बोल दो. आप देखो, मुझे नहीं पता, आप मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे परमात्मा हो, आप करो, मुझे नहीं पता, आप पावर हो, आप सुपर नेचुरल पावर हो. आप भक्ति से जोड़ दो, आप जाने दो. समझ रहे हो ना? अपनी प्रॉब्लम्स को प्रेयर से जोड़ दो. पहला क्या था? पहला था कि आप थॉट्स में नहीं आते हो, थॉट्स आपके अंदर आते हैं, कंट्रोल करना सीखो, इग्नोर करो. दूसरा, फॉरगेट एंड फॉरगिव करो. तीसरा, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट रहो. चौथा क्या है? प्रेयर से जोड़ दो सारी चीज़ें. पांचवा है, डीप ब्रीदिंग करो. और क्या था? और एक जो चीज़ है जो मुझे काफ़ी हेल्प करी है, मैं एक्चुअली माइक देख रहा हूँ, कहीं बैटरी तो नहीं जा रही है. हाँ, सही है, सही है. जो लास्ट जो मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा कि जब भी आपके अंदर थॉट आ रहा है ना यार, जब भी आपके अंदर एक ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको परेशान कर रही है, आप एक थॉट जो आपको परेशान कर रहा है, आप ये सोचो कि यार ये थॉट है. इट इज़ जस्ट अ थॉट एंड थॉट इज़ लाइक अ बबल. आपके एक दिन में नजानो आई थिंक आई हर्ड 60,000 थॉट्स आते हैं. भाई, एक कॉमन इंसान, हम जैसे इंसान के अंदर 60,000 थॉट्स आते हैं. 60,000. It is just a thought, and thought is a bubble, man. Why are you focusing and giving too much of heat and importance to the thought? Right? ये thought है बस, bro. Just a thought. Forget it. I'm telling you, I'm always there with all of you. जिनको OCD problem है, tension मत लो, मैं हूँ. मैं खुद I'm a sufferer of stress and a lot of overthinking. OCD होता क्यों है? ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. यार, OCD is
लोग कहते हैं, मैंने कोरा पे पढ़ा है, ओसीडी कर्स है, ओसीडी में लोग बहुत परेशान रहते हैं। अच्छी बात है, मैं भी पहले कर्स मानता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदली है। आई हैव लर्नड हाउ टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड, आई हैव लर्नड हाउ टू ट्रेन माई माइंड, एंड हाउ दिस हैपेंड थ्रू ओसीडी मैन। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो ओसीडी होता कैसे? ओसीडी होता है ओवर थिंकिंग करने से। आई यूज़ टू थिंक अ लॉट, सो नेवर थिंक एनीथिंग, चाहे वो पॉजिटिव भी हो गया चाहे वो नेगेटिव भी हो गया, मत सोचो कुछ। संदीप महेश्वरी ने कहा था, एक बहुत अच्छी बात की थी संदीप महेश्वरी जी ने, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो दिमाग होना चाहिए ना वो ब्लैंक होना चाहिए। अब बस बैठे हो और किसी चीज़ को देखने के लिए नहीं देख रहे हो, बस बैठे हो, बस देखो, मतलब बस ऐसी बैठे रहो, देखो मत, ऐसी नहीं समझा पा रहा हूँ क्या? ऐसे अगर आप एक पेड़ के पेड़ को मत देखो, आप बस देखने के लिए देखो, ऑब्जर्व करने के लिए मत देखो, ब्लैंक रहो, मतलब ट्राई टू हैव नो थॉट्स, और आते भी हैं तो फॉरगेट इट, बिकॉज दीज आर थॉट्स मैन, दीज आर लाइक बबल्स, कम ऑन। और कुछ छूट रहा है जो मैंने सीखा हो? मैं भूल रहा हूँ, थॉट बबल होते हैं। और एक और चीज़ है, लास्ट लाइन है कि लास्ट तो पता नहीं, आपका माइंड ना यार सच और झूठ नहीं जानता, आपका जो माइंड है वो सच और झूठ नहीं जानता। अगर आपने बिलीव कर लिया कि मेरे सामने बिल्ली है और आप सोचते गए तो आपको बिल्ली दिखेगी वहाँ पे। तो अगर वैसे ही आपके माइंड में भी बिलीव हो चुका है कि मुझे खतरा है, मुझे फियर है, मुझे डर है, इसीलिए ओसीडी है। ओसीडी का जो बड़ा लोग जो समझते हैं कि ताला बंद कर दिया, ताला आपने लॉक किया, आप चले गए आगे थोड़ा आगे, फिर आप सोच रहे हो मैंने ताला बंद किया नहीं किया, तो वो आपका बिलीव क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि आप सोचते जा रहे हो कि मैंने ताला बंद किया है नहीं किया है। सो जस्ट योर बिलीव, इट्स जस्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। एवरी स्ट्रेस, एवरी प्रॉब्लम, एवरी मेंटल इशू स्टार्ट्स विद ओवर थिंकिंग। स्टॉप ओवर थिंकिंग, दैट्स इट। ओके Ladies and gentlemen, I am always with you. I request everyone to please comment down your own story of stress and OCD. For more help, you can contact me anytime. I have given my email ID and every contact, every social media, ID and all on the, in the description box. Thank you so much for watching the video. I love you all, your brother sort of signing off. Sayonara.